खुशबू जो है, एक लड़की, यंग लड़की आज इसके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। बहुत खुशी लगा इस ऑफिस में आकर कि हम मतलब क्या बताए, मतलब होना चाहिए एक महिला का मिलने आएंगी लोग, बात की, समझी कौन गलत है कौन सही है, तो आज दिख रहा ना साथ में, लोगों को पता है कि हम सही की मर्यादा को अभी पार कर रही है, जो अन्य मंच चला रही है पटना में, मंच के नाम पे जो बिजनेस कर रही है, अगर वो नहीं सुधरी तो हम उन पे लीगल एक्शन लेंगे और उनका जो धंधा चल रहा है विद इन वन मंथ सबका टुकड़ा। और ये परेशान है भाई, किसी का बच्चा हो चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो परेशान है तो हम परेशान है क्योंकि हम महिला पे काम करते हैं। आज महिला विकास मंच की महिलाएं पहुंचे केंद्र के साथ में, क्या कारण है आप विरोध करें तो मीडिया पे को काफी ज्यादा आप लोग विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन क्या कारण है आप विकास साथ देखिए जहाँ तक विरोध की बात, तो अगर आप शुरुआत की बात देखेंगे तो ये सच्चाई ये है कि किरण से थोड़ी हमारी एक नाराजगी थी और हमेशा रहेगी। और सामने में मैं बोल रही हूँ कि जिस वक्त ये बात चल रही थी, किरण को हमने बहुत रोका, मुंह पे बोलते हैं अगर याद होगा कि किरण ये इस्तेमाल मत लो, तुम्हारी जो भी चीजें हैं इसको खत्म करो। और क्या पता जब होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं और इस बात को नहीं मानी, तो आज जो भी चीजें आज ये अगर ये भुगत रही हैं तो उसका हम उसके लिए जिम्मेदार हम इनको खुद मानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन चूंकि ये खुशबू लगातार इनके साथ खड़ी है और हमने ये देखा, तो महिला विकास मंच हमेशा तथ्यों की जानकारी बिना लिए कभी भी आगे स्टेप नहीं लेती है। लोग जो बोलते हैं जरूर हम सुनते हैं, हम बोल भी देते हैं क्योंकि हम शुरुआत में क्या होता है आप जो बोलेंगे हम समझेंगे, लेकिन उनको डेप्थ तक गंभीरता से समझने के लिए हमने जरूरी समझा कि हम उनके पास पहुँचे, चीज़ों को जाने, बहुत कुछ जानकारी हमें मिली है और इन चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे। हमसे पहले आई हुई थी कौन जी भी बताएं। अभी मैं कुछ बोलूँगा, देखिए पिछले एक साल से रोशन रोही और किरण का मामला हमारे जानकारी में था, हमने किरण के लेकर रोशन रोही के और बहुत हमने मेहनत किया पिछले साल, हाँ वो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और अभी पता नहीं किरण के क्या बिहेवियर था, किरण पता ना क्या ऐसा ऐसे कोई इनको कुछ ऐसा लगा, तो महिला विकास मंच में ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई हम रोशन रोही और किरण पे बाइट दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो भाई ये भी बच्चा है, बच्ची है, वो भी बच्चा है भाई, अगर किरण जेल जाती है तो दुख नहीं होता है, रोशन के तो दुख है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, बाकी इसका तत्व हमको जानना जरूरी था, हम बहुत कोशिश करके मिले किरण से और किरण से जानकारी लिए, तो मेरा जो नज़र जो है खुला का खुला रह गया और बहुत कुछ हमको मिला है जो हम मीडिया में रखना नहीं चाहते। देखिए किसी का शीशे लेना करना ये सही बात नहीं है, अब मामला कोर्ट में चला गया है, न्यायालय में है और न्यायालय सर्वोपरि है। अब आप लोग किरण सिंह से जब बात की तो क्या लगा, किरण सिंह गलती है गलत है कि सही है? देखिए गलत सही तो किरण ये दोनों के बीच का जब इन लोगों दोनों के बीच में जब झगड़ा लड़ाई हो रहा था, जब विवाद होता था तो हम वहाँ रहते नहीं थे, बाकी जो रोशन मतलब अपना वक्तव्य दे रहा है तो हम सुन रहे हैं, किरण दे रही तो सुन रहे हैं, बाकी नगीन से मिलने से लगा कि किरण दुखी है और किरण के दिल में भी दर्द है। रही रहो अभी खुशबू जो है एक लड़की, यंग लड़की आज इसके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। बहुत खुशी लगा इस ऑफिस में आकर कि हम मतलब क्या बताए, मतलब होना चाहिए एक महिला का सपोर्ट कर रही है खुशबू, आज खुशबू को हम धन्यवाद देते हैं। महिला विकास मंच की सारी टीम मतलब जितने लोग हैं सारे लोग केएमसी के पास हो गए, एकदम हो गए हैं। और ये महिला विकास मंच की ओनली जो कोर कमेटी मेंबर हैं, जो टीम जो है वो बीना मानवी, अरुणिमा अध्यक्ष और साइमा खातून, हम खुद तीन आदमी हैं, बाकी जो मेंबर सब हैं आते जाते लोग हैं। और ये अभी बता दे रहे हैं एक नई नई कुछ हमारी प्रीता लोग आई थी हमारे महिला विकास मंच में, मतलब कोई अपना मुंह फोड़ के कोई हाथ फोड़ के कैसे फूटा हमको नहीं पता है, और उन्होंने अभी वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये सब हमारी टीम नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं। देखिए चीज़ों जो पता चल रही है आगे उसको बहुत सोच समझ के रखेंगे या फिर
कोर्ट में बातें कोर्ट में है तो बेटर ना, वहां पे जो भी होता है जो सही होगा हम लोग साथ देंगे करेंगे, आगे आपको तब अच्छे से जानकारी मिलेगी, या उससे भी अच्छा होगा कि कोर्ट को करने दीजिए बैक सपोर्ट हम लोग। लेकिन मैम इस मामले को अलग रूप दिया गया, किरण का मामला था कि दोनों कैसे छोड़े, लेकिन इसका अलग रूप दिया गया कि बताया जा रहा है कि किरण सिंह जो के बच्चे हैं, ये सब मामला मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए अब ये बात चूंकि कोर्ट में पहुंच चुकी है तो कुछ चीजों पे पर्दा रखिए और वहां तक होने दीजिए। उससे क्या होता है ना कि पहले हम लोग मीडिया में ही, अब भी मीडिया भाई कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर बनाने के लिए रहते हैं, हम मीडिया कर्मी उसी के लिए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे चीचा लेदर करते इसका प्रभाव कोर्ट में पड़ता है तो हम ये ना करें। हम इस चीज में कोर्ट में कैसे पेश करना हो उसमें हम सपोर्ट करेंगे, अगर ये गलत रहेंगे तो हम इनके भी साथ नहीं रहेंगे और वो गलत रहेंगे हम उनके भी साथ नहीं रहेंगे, जो सही रहेगा उधर रहेंगे। चीजें हमें जानकारी मिली बड़ी अच्छी लगी, खुशबू के माध्यम से या किरण के माध्यम से हम चूंकि उधर से सुने थे हम इधर भी सुने, अब हम ये बात गुप्त रूप से रखेंगे। सबसे पहली बात है कि जो लोग बोल रहे हैं कि किरण का पहला पति है, किरण का बच्चा है या फिर किरण के माँ बाप ये है, हम उन लोग से पूछना चाहते हैं कि ये केस किरण के माँ बाप किया है या उसके माँ बाप पे हुआ है, रोशन रॉय पे हुआ है, किरण अब बालिक हो गई है जैसे सब लोग बोल रही हैं, जितने भी मंच वाले लोग हैं सब लोग बोल रही हैं कि ये बालिक है, ये बालिक है 100% ये बालिक है, लेकिन ये जो पॉक्सो लगा है उस वक्त से ये रिलेशन में थी जब ये बालिक नहीं थी, ठीक है। तो उसको माँ बाप को खोजने के अलावे अगर जो इसकी सच्चाई जानने का कोशिश करें कि वो पॉक्सो क्यों लगता है, कब लगता है, कब हटेगा, उसको सब लोग प्रूफ लाए और इसको नाबालिग साबित ना करके इसको बालिग साबित करे उस वक्त से जब ये रिलेशन में थी तब तक। अब ये एक मिनट, तब जो है इसके ऊपर आरोप लगा, अगर जो ये लोग को पता ही नहीं है कि अगर पॉक्सो लगा है ठीक, तो ये अगर जो पहले भी शादी अगर कर चुकी होगी तो नाबालिग का मतलब होता है समझने बुझने की शक्ति उसमें नहीं होना, इस तरह से पागल होता है। तो अगर अगर वो बेवकूफ है, ये पागल है ठीक, तो जो नाबालिग है उसके बाला फुसला के इससे पहले भी शादी किया गया है तो उसके ऊपर भी पॉक्सो लगेगा, ठीक। हाँ ये हो सकता है कि रोशन रॉय का केस हल्का पड़ जाए और वो लड़का अंदर हो जाए, ठीक। तो तब अगर जो बालिक साबित हो गई तो दोनों सही हो जाएगा, फिर ये गलत हो गया, हम रोड पे छोड़ के चल जाएंगे। मैम महिला से एक और दो मतलब महिला है वो बोल रही है कि इनके पीछे दो चमचे हैं, दो एक लेडीज, हमने अभी क्या बोला कि महिला विकास मंच नहीं जानते संस्थापक बिना मानवी अध्यक्ष अग्निमा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थईमा और हमारे यहाँ मेंबर हजारों में है, तो नाम नहीं, नाम नहीं हमारे नाम बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं बेटा जी का और हम कह रहे हैं कि आज खुशबू जी के नाम पे, खुशबू के नाम पे कोई अगर जाके कोई कुछ कर देता है तो उसको प्रूफ देना होगा ना, खुशबू गलत है कि सही है, वो महिला हम खंडन कर रहे हैं ना कि महिला विकास मंच की हमारी कोई मेंबर नहीं है और कोई ऑथराइज नहीं है, ये अनलीगल है, ये लोग का देखिए महिला कल्याण मंच करके कुछ ऐसा नाम है, अरे महिला कल्याण मंच है वो, सुनिए ना जिम्मेदारी हम लेंगे उनका अपना वक्तव्य है। देखिए कि दो लोग हैं जो किरण के सपोर्ट में है और उनके पीछे चमचे बन के घूम रहा है, अब क्या बात इसे पे आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा तो बीना मानवी जी के दो लोग बोले हैं तो दो लोग में बहुत लोग हैं ऐसा, किसी का नाम नहीं, नहीं गलत बात नहीं, किसी का नाम नहीं लिया है और बीना मानवी जी का किसी निजी का दुश्मनी भी नहीं है, किरण आज भी हम लोग किरण का किरण को खोज रहे थे, किरण का पता करे किरण क्यों नहीं आई, भाई हमारा काउंसलिंग दोनों साइड का होता है, जब हम रोशन रोही का जब कोई उसके प्रति वक्तव्य देते हैं तो क्या इसके प्रति नहीं देंगे, तो आज मिले तो हमको लगा है कि हाँ इसके दिल में भी दर्द है और ये परेशान है, भाई किसी का बच्चा हो चाहे बेटा हो या बेटी हो वो परेशान है तो हम परेशान है,
क्योंकि हम महिला पे काम करते हैं। रही बात अब यहाँ पर कोई नई मंच आती है आप लोगों को गुमराह करती है उसको हम खंडन करते हैं। वहाँ पे जाने के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि महिला विकास मंच है या महिला कल्याण मंच है या महिला पुरुष मंच है, तो पहले उन लोगों को क्लियर कर दीजिए कि वो महिला पुरुष मंच है और वहाँ पे नहीं, वहाँ पे जाने वाले नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि चमचा है, चमचा कौन है? कोई नहीं बोला है। किधर से जानना चाहेंगे महिला विकास मंच की बात को लगातार, लेकिन आज आपसे बातचीत हुआ नहीं मिलने गए थे तो क्या बात था, नहीं बात था वो अलग बात है। अब मिलने आएंगे लोग, बात की समझी कि कौन गलत है कौन सही है, तो आज दिख रहा ना साथ में इन लोगों को पता है कि हम सही हैं और जो गलत है वो कहाँ है आप लोग को भी पता है। आपके साथ अब हो गए महिला विकास मंत्री, हम हो गए। हाँ, खुशबू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए खुशबू का पहले भी धन्यवाद दे दिए और अभी कह रहे हैं कि इस तरह की लड़की होनी चाहिए और अगर ऐसी लड़की हमारे मीडिया में या हमारे सोशल में अगर होती है तो हमारे समाज की गंदगी रह जाएगी। और खुशबू राय जी से चाहेंगे कि अपना भी वक्तव्य मेरे की कोई भी चीज पे वक्तव्य, तो फिर हम लगातार डे वन से जो भी बात बोल रहे हैं तथ्य के साथ बोल रहे हैं, प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। हमने आज तक कोई भी शब्द बिना प्रमाण के नहीं बोले, आज भी हम बोल रहे हैं तो लॉ के अनुसार बोल रहे हैं। कोई भी विकास मंच हो, महिला विकास मंच हो, अगर वो किसी की काउंसलिंग करती है तो उनका प्राइवेसी होता है कि वो इंडोर काउंसलिंग करे, आउटडोर काउंसलिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि इतना मैटर हो चाहे पवन सिंह, ये लोग ऑलरेडी पब्लिक फिगर है तो आप लोग स्टेटमेंट देते हैं वो आपका राइट, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य लड़कियां हैं उनका काउंसलिंग इंडोर होनी चाहिए। ये राइट, ये लॉ कहता है किसी भी ट्रस्ट के लिए ये लागू होता है, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो। दूसरी चीज, बाइट भी अगर किसी महिलाओं के द्वारा दी जाती है, हमारा ये आग्रह है, पहली बार ये आग्रह है कि अपनी मर्यादा को ना भूलें, शब्दों की मर्यादा में रहकर स्टेटमेंट दें, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि इज्जत नाम जो वर्ड बना है ना सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, पुरुषों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़के कुछ भी करके आते हैं उनको कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन महिला अस्वीकार होती है। एक गलती तो आप लोग बोलती है कि महिला एक गलती करके चली जाती है तो उसको बदनामी झेलनी पड़ती है, तो हम महिलाएं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पुरुष जो है और कहीं ना कहीं हावी होंगे। तो बस आप लोग जो भी महिलाएं बोल रही हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, पहली दफा महिला विकास का काम ध्यान में हम जो करते हैं शब्दों को की मर्यादा, 1000 में अगर एक या दो केसेस को बोलती है वो कि हमारा मीडिया में ले आइए, उसको बोलने के लिए दिक्कत नहीं, 999 हम लोग नहीं लाए, नहीं बोलने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, आप बोल सकती हैं, बस शब्दों की मर्यादा को पार कर रही है। और जो भी महिलाएं शब्दों की मर्यादा को अभी पार कर रही है, जो अन्य मंच चला रही है पटना में मंच के नाम पे जो बिजनेस कर रही है, अगर वो नहीं सुधरी तो हम उन पे लीगल एक्शन लेंगे और उनका जो धंधा चल रहा है नहीं गंद फैला के रखते हैं ये लोग।